आप ये दीवार देख रहे हो, इसके ऊपर मैं आपको वॉल पुट्टी करके दिखाने वाला हूँ और पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे वॉल की प्रिपरेशन करते हैं, वॉल पुट्टी करने से पहले किस तरह से लगाना चाहिए और कितने कोट लगाने चाहिए, वो सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, कहीं पर हमें घर पर जो प्लास्टर वगैरह करवाते हैं तो उसके दाने या फिर ये से ड्रॉप हो गए या छींटे वगैरह होते हैं, इसे अच्छे से पहले सफाई करनी पड़ती है। ये सफाई नहीं करती है तो दोस्तों हमारी वॉल की जो लेवलिंग होती है वो अच्छे से नहीं होती और वॉल पुट्टी में वो दानी सब बनते हैं और जो पुट्टी के जब करते हैं तो लाइन्स वगैरह आते हैं उसमें, यानी कि हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सफाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सफाई करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट पूरे वॉल पर पुट्टी की मदद से जो सफाई किया था हमने प्रिपरेशन, वो कंप्लीट होने वाला है ताकि दाने वगैरह सब बढ़ जाए। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं वॉल पुट्टी का जो ये हैंडल वाला ब्लेड है उसकी मदद से इसके ऊपर वॉल पुट्टी करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो हमने छोटा हैंडल लिया था उसकी मदद से हमारे बड़े हैंडल ऊपर हम वॉल पुट्टी ऐड करेंगे और फिर उसको वॉल पर नीचे की साइड से ऊपर की तरफ हम खींचेंगे, तो इससे हमारा जो वॉल की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है। दोस्तों पुट्टी लगाने से पहले मैं एक बार और बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि कई बार वो लोग बोलते हैं कि वॉल पुट्टी करने से पहले हमें प्राइमर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों पहले के टाइम पर कुछ ऐसा चौक मिट्टी या फिर वो सब यूज़ करके वॉल की प्रिपरेशन करते थे, तो उस टाइम हमें पहले प्लास्टर और चौक मिट्टी के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए एक कोटिंग लगवानी पड़ती थी। तो उसके लिए हम हमारा जो प्राइमर है वो करते थे, पर अभी के जो कंडीशन है कंपनी का खुद ही कहना है कि अभी हमारे वॉल पुट्टी करो तो उसके अंदर प्राइमर जैसा मटेरियल पहले ही होता है, तो आपको डायरेक्ट पहले प्राइमर करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप हमारे वॉल पुट्टी डायरेक्ट वॉल पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपको आइडिया लग चुका होगा कि वॉल पुट्टी के पहले प्राइमर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अभी के टाइम पर नहीं लगाना चाहिए, मेरा सजेशन है, आपको अगर लगवाना है तो आप लगवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों कोना कैसे बनाते हैं वॉल का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉल पुट्टी कैसे करनी है वो तो आप देख ही रहे हो किस तरह से करते हैं, नीचे की साइड से ऊपर की तरफ खींचते हैं, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग मिलता है। उसके बाद जो वॉल के अंदर दो कोना होता है वो कैसे फिलअप करना है, मेन दोस्तों उसी में होता है, वहाँ पे कट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो ब्लेड है उसको कोने से लेकर जब वॉल की तरफ खींचोगे तो वो कोना है वो अच्छे से फिलअप हो जाता है। ये ट्राई आप खुद से अपने घर पर भी कर सकते हो, आपको आइडिया लगे या खुद से प्रैक्टिस वगैरह कुछ कर रहे हो तो सीखने के लिए। ये करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि पूरे वॉल में हमें खींचना है। एक बार ऐसे कर लो, अगर लगे कोई दानी वगैरह है तो पूरे में एक बार इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा कवर करके वीडियो में कर लो, ताकि उसी मदद से जो ब्लेड की लाइन वगैरह होती है वो भी सब हट जाए और हमारी फिनिशिंग वॉल बन जाए। दोस्तों ये फर्स्ट कोट किया है, इसके ऊपर भी हमें दूसरा कोट करने की ज़रूरत होती है, पर ये सूख जाए 4 घंटे सूख जाए उसके बाद हमें दूसरा कोट करना होता है, ताकि जो हमारी दोनों कोट के बीच में बॉन्डिंग है वो भी अच्छे से बन जाए और अभी हमारा फर्स्ट कोट हो रहा है वो अपने वॉल के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना ले। उसके बाद जो हमारा राइट साइड आप देख रहे हो वहाँ पे बाकी है वो भी मैं आपको फिलअप करके पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, ताकि पेंटिंग के रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों ये साइड हो चुका है, अब हम हमारे राइट में करेंगे, तो उसके लिए आप चाहे तो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर कंफर्टेबल है तो। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो बनाते समय हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी में कुछ कंप्लेन है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, पर आपके लिए वीडियो लाना था तो ये पूरी मेहनत हमने की है, हमारी मेहनत को एक बार सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद एक कुछ इस तरह से हमें कोना बनाना है, एक कोना हमेशा ज़रूरी होता है बनाना दोस्तों, उस तरफ भी मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट हमारी वीडियो ख़त्म होनी आई है और ये हमारे वॉल पर मैंने आपको करके दिखाया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई पेंटिंग के रिलेटेड या फिर कैसे मिक्स करते हैं वॉल पुट्टी वो सब देखना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि पुट्टी को कैसे मिक्स करते हैं, वो सब डिटेल दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।